भुवनेश्वर कुमार को ठुकरा कर अब सिर पकड़ कर रो रही है पूरी टीम इंडिया। 3 मैच में लिए 15 विकेट। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से दोस्तों भुवनेश्वर कुमार का तूफान आ चुका है बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम और भुवनेश्वर कुमार के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम इस समय यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले की तैयारी कर रही है। लेकिन दोस्तों एक खिलाड़ी है जिसको लगातार भारतीय प्रशंसक मिस करते रहते हैं और वो खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार की अगर बात करें तो दोस्तों एक समय वो टीम इंडिया के सबसे जरूरी खिलाड़ियों में से एक थे और उनको स्विंग का राजकुमार कहा जाता था। चाहे कैसी भी पिच हो, भुवनेश्वर कुमार अपनी नई गेंद से स्विंग के साथ और पुरानी गेंद से कटर और स्लोवर के साथ साथ यॉर्कर्स के साथ पड़ोसी टीम को यानी सामने वाली टीम को काफी परेशानी में डाल दिया करते थे। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों से भुवी लगातार टीम इंडिया से ड्रॉप होते गए हैं और अब टीम इंडिया तो उनको पिक तक नहीं करती है। लेकिन दोस्तों हाल ही में एक सीरीज खेली जा रही है, यूं कहें कि एक यहां पर दोस्तों लीग खेली जा रही है यूपी प्रीमियर लीग, उसमें भुवनेश्वर कुमार भी खेल रहे हैं और उनकी टीम थी नोएडा सुपर किंग्स। नोएडा सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए भुवनेश्वर कुमार ने दोस्तों काफी ज्यादा तूफानी गेंदबाजी की है। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए और उन्होंने 4-5 कैच पकड़ने के साथ साथ दोस्तों अपने नाम यहाँ पर दोस्तों 9 विकेट्स भी किए, जो दिखाता है कि भुवनेश्वर कुमार कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। भुवनेश्वर कुमार की इस गेंदबाजी के आगे सामने से यूपी के कितने भी बल्लेबाज आए वो पूरी तरीके से प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा था कि सुपर ओवर में जहां पर उन्होंने 17 रन डिफेंड करते हुए यहाँ पर दोस्तों अपनी टीम को बहुत ही आसानी से जीत दिला दी थी और यॉर्कर पर यॉर्कर डालकर सामने वाली टीम को काफी परेशानी में डाल दिया था, जो कि दिखाता है कि भुवी का वो पेस और लाइन और लेंथ अभी भी बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है, क्या भुवनेश्वर कुमार को यहाँ पर टीम इंडिया में फिर से पिक करना चाहिए? कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।